हाय, सुख का सांस आया है ना अब कहीं जाके। बस मैं बड़ा थक गया हूँ, मेरा ना सर दबा दो ईंट के बगैर, क्योंकि तुम्हारा मुंह बता रहा है कि तुम कुछ चीज़ उठा के मेरे सर में मारने के प्रोग्राम में हो, है ना? ऐसा ही कुछ समझ लो। ऐसा ही समझ लो ना, शुक्र ही तुम्हारे अंदर बहुत है, शुक्र नहीं करी। देखो ना, रिहाइश तो मिली है, चलो कम से कम रहेंगे तो सही ना। ऐसी रिहाइश मुझे नहीं चाहिए। वापस कर दूँ? हाँ बिल्कुल, ये होती है ना इससे अच्छा शुक्र। तो हम रोड पे थे। वाकई? चलो रोड पे चलो, हमने कौन सा किसी को बताना है या किसी ने हमसे पूछना है कभी क्यों जा रहे हो? ना शुक्र ही रहना सारी जिंदगी के लिए। बहुत अच्छी जगह है। वॉशरूम में गई, इतने इतने कॉकरोच कहाँ पे वॉशरूम के अंदर। तो रौनक लगी हुई है, पागल का अकेला ही नहीं रहते घर में, दौर कैसा जा रहा है? अकेला बंदा कहाँ रह सकता है पागल ना हो तो, अकेली तो दीवार भी ना हो। नहीं वॉशरूम की कुंडी नहीं थी। कुंडी थी? नहीं चलो बंदा सिंगर तो बनेगा ना, जो अंदर बैठेगा गाने वाने गाता रहेगा, ऐसा तो सुर भी पक्का हो जाएगा। और क्या बात है, सहूलियात है इस घर में पागल, जगह जगह पे कदम कदम पे। कमरे की लाइट ऑन की है, वो जल बुझने लगी। खुद ही हाँ डिस्को लाइट होगी ना, वो होती है डिस्को लाइटें पागल, वो खुद ही बंद होती है, खुद ही जलती है। किधर? मुझे तो लगता है इस घर में ना आज सेब का खाया है इस घर पे। पागल ना हो तो जहां हम आ जाए वहां सेब का क्या काम है हाँ वैसे ये है, आपके ना? जहाँ हो ना वहां पे ऐसे भी नहीं आ सकता। सेब की अच्छी की तैसी, उसने क्या खिलेने आना है वहां पे, मेरा दीवारों के मतलब पेंट्स भी उतरे हुए हैं। यार तुमने दीवारों में पेट सुथरे में है ना? चलो मैं तुम्हें सफेदी ला देता हूँ, कल तुम सारा दिन करना यहाँ पे डिस्टेम्पर वगैरह, ठीक है? और शाम तक फ्री हो ही जाओगी इंशाल्लाह। मुझे तो लगता है छत भी इसकी खराब है, बारिश आएगी तो हम सारे भीग जाएंगे। यहाँ पे सारी किस्मत खराब है, हमारी जिंदगी खराब होगी तो मैं छत की पड़ी है, छत भी खराब है, बारिश नहीं होने वाली, टेंशन ना लो, बेफिक्र हो जाओ। जहाँ पे इतनी दुआएं कर रहे हैं, ये साथ में ये भी कर लेना, या अल्लाह बारिश दीवार ना के हो। अंदर इतना बड़ा सुराख है, कोई सांप ना आ जाए किसके हमारे घर में। दीवार के अंदर सुराख इतना भी है? कितना बड़ा? नहीं बड़ा सुराख है, वहां से कोई कीड़े वीड़े ना आ जाए। कीड़े बूढ़े, ताजा हवा आती रहेगी पागल, सुराख से, नहीं तो और कहाँ से आती है, कमरे में तो विंडो से सुराख, आती है, विंडो से। विंडो से तो हाँ यही सुराख बड़ा कर लेंगे, विंडो बन जाएगी, दो चार ईंटें और निकाल देता हूँ मैं, विंडो बेहतरीन बनेगी, डायरेक्टली हवा आएगी, किसी चीज को टच होके भी नहीं आएगी पागल, खालिस प्योर चीजें, तुम्हें तो पता नहीं भाती ही नहीं तुम्हें, स्मेल भी आती है इस घर में। है ना? हाथ धोए थे? नहीं किया ना, मैंने कहा शायद हाथों में से भी आ जाती है, पागल ना हो तो, स्मेल भी आ रही है ना, मुझे नहीं अच्छा लगा ये घर। कब से बंद पड़ा हुआ था यार, स्मेल तो आएगी ना, तो सफाई कर लेना ना बाबा, तुम फ्री हो ना, और कौन करेगा? मैं अपनी सफाई करती तुम्हें अच्छी लगूंगी? कसम से बहुत अच्छी लगोगी, यूं सर पे दुपट्टा लिया हो तुमने, यूं कान बाहर निकाले हो, यूं करके एक लंबा सा झाड़ू तुमने पकड़ा हो, है जी? और क्या, और सर झाड़ू से तुम्हारी पिटाई करूं? सफाई करने के मूड में नहीं है तुम, है बिल्कुल नहीं, ना? नहीं। खाना खाना है, सफाई भी करनी पड़ेगी, यहां बैठ के खाना है, गंदी जगह पे बैठ के खाओगे? किचन भी नहीं है यहाँ पे। किचन नहीं है ना? नहीं अल्लाह तेरा शुक्र है, जान छुटी। तुम खाएंगे कैसे अजीम, पकाएंगे कैसे तो मुंह से खाना? खाना है या किचन से खाना है? तुमने बदतमीज, खाएंगे कैसे? कॉमन सेंस, चूल्हा कहाँ रखूंगी मैं? चूल्हा जहां मर्जी रखो, कितनी जगह पड़ेगी यहाँ पे बदतमीज कहाँ, यार, इतनी सी जगह पे हम लोगों ने सो जाना है, चूल्हा जहां मर्जी रखो तुम, मैं किसी जगह पे नहीं सोती। तुम घूम के सोती हो यूं करके, हाँ पार्क में बेड लगवा दूं तुम्हारा, मैट्रेस वहां, बदतमीज है, इतनी सी जगह पे नहीं सोती, सफाई तो तुम्हें बाथरूम करनी है। गंदा है, बस मुझे बाथरूम नहीं अच्छा लगता। बाथरूम गंदा ही होता है, वहां पे कौन सा वो स्टॉल वगैरह लगा होता है, सेल लगी होती है बाथरूम में, कोई बाथरूम होते गंदा है बदतमीज। कमोड भी नहीं लगा हुआ, फ्लश है। कमोड का ये फायदा होता है ना, बंदा उसमें चीजें भी रख रुक लेता है ना, जो बंद भी होता है ऊपर से खोल के, जो मर्जी रखा है जी उसमें से। क्या हुआ बदतमीज? कमोड में चीजें कौन रखता है जरा बताना? वो फ्रिज है। अरे खुद ही कह दिया, मैं कहना नहीं चाह रहा था, क्या कमोड तो कमोड होता है यार, फ्लश लगा हुआ है ना यहाँ पे, बस ठीक है गुजारा करो, फ्लश बेहतरीन है, ज्यादा ऊंचा नहीं इंसान को होना चाहिए, थोड़ा नीचा नीचे रहे तो अच्छा है। इतना गंदा है, हर तरह के उसके ऊपर दाग हैं, किसके ऊपर? फ्लैश के ऊपर। डिजाइन भी तो हो सकता है ना, सादा पहले चलते थे व्हाइट व्हाइट से, आजकल प्रिंटिंग में आ रहे हैं। वो वाले नहीं है अजीम, दे ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई से यू।
यार दीन को समझाने वाली बात है, तुम उस पांडवी से ना सोचो, तुम सोचो कि ये डिजाइन वाला है। क्या मैं बिना सफाई के यूज नहीं करूंगी? तो सफाई करो ना, मैं तुम्हें कह तो रहा हूँ यार सफाई करो। अजीम आप करेंगे? कौन? वॉशरूम में लाइट नहीं है, फ्लश गंदा है, शीशा नहीं है, मैं कैसे अपनी सुबह उठ के शक्ल देखूंगी? मैं ये चाहता हूँ कि ये देखो ना कितने तुमने ये निकाली है चीज़ें। ना कुंडी है, ना कुंडी है, ना पर्दा है, ना पर्दा ना विंडो है, ना विंडो है, फ्लश भी साफ नहीं है, फ्लश भी साफ नहीं है, शीशा भी साफ नहीं है, शीशा भी साफ नहीं है। पहले तो है ही नहीं ना। अच्छा शीशा है ही नहीं? नहीं। देखो कितनी चीजें हैं, मैं ये चाहता हूँ तुम ये सोचते सोचते हमारा टाइम गुजर जाए। तुम रोज ये जिक्र मेरे साथ करो, मैं रोज तुमसे सुनूं, हमारा टाइम गुजर जाएगा बेहतरीन। देखा इसे कहते हैं घरदारी, बंदा सोचे जरूर कि मेरे घर में ये नहीं है, मेरे घर में ये नहीं है। तुम घर बनाने वाली हो तो मुझे ये ना अंदाजा हो गया, वैसे पैसे जाया नहीं करोगी तुम? बिल्कुल, मैं ऐसे वो समझदार सुधर बीवी हूँ तुम्हारी। सुगड़ होती है, सुधर नहीं होती। अच्छा मैं अगर जिंदगी में कभी टाइम मिला ना तो मैं तुम्हारे सारे टीचर्स ढूंढ के ना उनकी बेहतरीन बेइज्जती करूंगा जिन्होंने तुम्हें पढ़ाया था। मुझे मेरा टाइम नहीं लग रहा असल में ना। अजीब तुम्हारा टाइम कहाँ लगता है ये बताओ मुझे। अच्छा कहाँ लगे हो आजकल, तुम कहाँ लगते हो ये बताओ। एक दो जगह पे मेरा टाइम लगा है। कहाँ? उन्होंने तो मुझे मुंह नहीं लगाया, मैंने कहा दबा करो, मेरा तो टाइम लगा, जहाँ मर्जी लगा लूंगा, क्या ख्याल है? आखिर तुम जॉब भी करोगे या कि नहीं? यहाँ पे जॉब तो मैं करूंगा, बशर्ते कि मिल जाए। लेकिन मुझे घर नहीं अच्छा लगा, फर्श भी टूटा हुआ सारा। तुम ना खैमों में रहने वाली औरत हो, झुग्गियों में, बदतमीज। अपनी एड़ियां दिखाना, एड़ियां तो तुम्हारी ठीक है, उनकी वजह से फटी होती है, झुग्गी में नहीं रहते, मुंह लाल होता है, एड़ियां फटी होती हैं। चारपाई भी नहीं है, हम सोएंगे कैसे? चारपाई तुमने क्या करनी है बदतमीज? फिर चारपाई क्या करनी है? फिर सोना कहाँ है? जमीन पर सोएंगे। हाँ बेवकूफ, ये इसमें तुम्हें पता ही नहीं है, ये आज ही है, नीचे सो जमीन पे। सर्दियों में हाइपोथर्मिया की शिकार हो गई मैं तो। किसका हाइपोथर्मिया? जो औरत मोहब्बत का शिकार हो जाए ना हाँ। उसे कोई चीज शिकार नहीं कर सकती। अजीम बस मुझे नहीं रहना यहाँ पे। नहीं रहना? नहीं ना रहो, इट्स फाइनल, आखिरी फैसला तुम्हारा। हाँ मुझे अच्छा सा फर्निश घर चाहिए जहाँ किचन हो, वॉशरूम अच्छा हो, दो रूम्स हो, डाइनिंग टेबल भी रखा हुआ हो और गेस्ट आए मैं अपने दोस्तों को बुलाऊं। हाय हाय माशाल्लाह, अपने रहने की जगह नहीं है, मैं जो इच्छा को बुलाऊं। तो तुम्हें पता है मैं एक बात सोच रहा था, ये जो शादी का दिन होता है, कितनी शादी देखी तुमने? हाँ। ये शादी की तकरीब में निकाह के बाद दुल्हन को सबसे आखिर में क्यों लेके आते हैं पता है? क्यों? कभी वीडियो गेम खेली है? नहीं। उसमें भी सबसे बड़ी बलाज होती है, बैंड पे आती है। मतलब मेरी सहेलियां आए, क्या कह रही थी अभी तुम? दोस्त आए खाएं पिएं मौज मस्ती करें। काम ना करें कोई, है ना? दोस्त आए खाएं पिएं मौज मस्ती, अपने खाने को है नहीं, दोस्त आए खाएं पिएं, क्या खाना तुमने? अरे मुझे नहीं रहना, मुझे अच्छा सा घर चाहिए बस, मैं तुमसे यही बात कर रही हूँ, मेरी ये जरूरत है, मेरा हक बनता है। नहीं तुम्हारा हक तो बनता है, मिले तो फिर है ना, घर तो मैं तुम्हें दूंगा, ये तुम्हारा मेरा वादा था, वादा है और वादा ही रहेगा। मतलब वादा रहेगा, मैं उस बात से मुकर नहीं रहा हूँ, घर तो तुम्हें लेके दूंगा मैं, टेंशन। तुमने मुझसे ये वादा क्यों किया कि तुम मुझे खुश रखोगे, अच्छा घर लेकर दोगे, ये क्यों किया तुमने? मुझे कसम ले लो, मैंने कहा था मैं तुम्हें खुश रखूंगा, घर की तो बात ही नहीं, इतना पागल नहीं हूँ मैं ऐसे ऐसे वादे करता फिरूं। खुश कर रहने का मकसद यही है, शादी के बाद बीवी अपने हस्बैंड के घर रहती है। यार तो घर को जरूरी है खुश रहने के लिए, बीवी सामने बैठी हो बंदा यूं करके कर दे बीवी खुश हो जाती है। करके दिखाऊं तुम्हें कितना खुश हुई है ना। लो इतनी सी बात है, बीवी रहती खुश हो जाती है। अच्छा बस बस क्या बस, कुछ और खाना है? नहीं हाँ अच्छा नहीं, मतलब बात कर रहा हूँ यार, मुझे अलग सा न्यू फर्निश्ड घर चाहिए। तुम्हें अलग घर फाइनल, तुम्हें अलग घर क्यों चाहिए? अलग क्या मसला, तुम जेब कतरी हो, तुम्हें कोई फैमिली में नहीं रखता, तुम चोरी करती हो, तुम्हें अलग क्यों चाहिए घर मुझे ये बताओ? पंखा उतार लेती हो क्यों? तुम्हें अलग क्यों चाहिए? सबके साथ रहो यार तुम, बस तुम थोड़े दिनों की बात है इंशाल्लाह हालात और खराब हो जाएंगे। मेरा मतलब है हालात ठीक हो जाएंगे, कोई बात नहीं, जहाँ इतना टाइम गुजर गया ना थोड़ा सा और गुजार लो यार। थोड़ा कितना? फिर तुम भी आदी हो जाओगी, मैं भी आदी हो जाऊंगा, फिर थोड़ा और गुजर जाएगा टाइम, ऐसे ही टाइम गुजरता रहेगा तो क्या? मुझे नहीं है चाहिए है? मैं टाइम नहीं गुजार सकती।
नहीं डर सकती ना? नहीं, अकल है ही नहीं औरतों में, मैं तो पहले से कहता हूँ। अच्छा कभी तुमने ड्रामे देखे, फिल्में देखी ना कभी? हाँ। अल्लाह माफ करे। अच्छा वो जो एक्सीडेंट वाला सीन होता है देखा कभी तुमने? हाँ, जब लेडीज गाड़ी चला रही होती है तो वो आगे को चीज आ जाए, ब्रेक नहीं मारती, चीख मारती, ब्रेक मार, अकल तो है ही नहीं। तो वो डर जाती है ना? डर जाती है तो डर के स्टेयरिंग छोड़ दिया, गाड़ी गई सीधी, बंदा गाड़ी मोड़ लेता है, कान पे हाथ रख लेती, वो गई एक्सीडेंट के। ओ पे यू, मुझे भूख भी लग रही है। तुम्हें और कुछ लगता ही नहीं, तुम्हें हमेशा भूख ही लगती है। सुबह का कुछ नहीं खाया मैंने। तुम्हारा मेदा ना इंसान ही नहीं है, मैंने हिसाब लगाया। नहीं, इंसान को तो इतनी भूख लगती नहीं यार, तुम्हारे अंदर कोई अजाफी फरिश्ते हैं, तीन से चार। तुमने तो कहा था मैं तुम्हें डिनर कराऊंगा, लंच कराऊंगा, घुमाने लेकर जाऊंगा, अच्छा सा घर दूंगा, सारे ख्वाब सारे वादे दावे धरे के धरे रह गए। तुमने किसके साथ नवाशरी वाले वादे तो नहीं किए तुमने? जान जी, उसने अगर वादे किए हैं तो उसने कुछ किया भी है। क्या मैं तुम्हें बता के तुम्हें मजीद परेशान नहीं कर सकता, मेरा मतलब है कि बताऊंगा। बस मुझे ये बताओ जान जी, आज फिर एक वादा वफा हो तो मैं करके दिखाऊंगा। बिल्कुल, आज हम खाना बाहर खाएंगे। सच्ची? किधर वाला? सेहन में। सेहन? खाना कौन बनाएगा? हाँ, खाना कौन बनाएगा? इंसान बड़ा ना शुक्र है जी, जब इसको ऊपर से आता था ये तब भी राजी नहीं था। आता था ना मनो सलवा, आता था ना, इनसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ, हमारा भी बंद करवा दिया। और क्या अजीम, अब क्या करेंगे हम? खाना तुमने खाना है ना? हाँ, खाना भी खाना और मुझे यहाँ पे नहीं रहना। अच्छा, रहना भी नहीं है? नहीं, खाना भी खाना है। एक बात मनवाओ, पहले खाना खाना है या नहीं रहना? दोनों काम। माशाल्लाह, खाना भी नहीं खाना, रहना भी नहीं। क्या मतलब? खाना भी खाना और यहाँ पे रहना भी नहीं है। अच्छा, रहना भी नहीं है, दोनों ही मनवानी है। वाह बेगम, क्या याद करोगे, दोनों काम ही नहीं होने वाले हैं।